कामरूप पॉइंट में स्वागतम है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को किर्लोस्कर मशीन, उषा मशीन, कोई भी मशीन हो उसका टाइमिंग कैसे सेट करता है हम दिखाऊंगा। बिना निशान के टाइमिंग सेट कैसे करें हम दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं फ्लाई व्हील का लॉक है, ये लॉक ऊपर की तरफ रख लीजिए। ये हम ऊपर की तरफ रख दिया। ये वाल्व टेपिट लगा रहा हूँ, ये नीचे गिर जाता है, इसलिए हम गार्डर लगा दिया क्योंकि ये नीचे गिर जाता है। तो देखिए, और ये पीछे आया और एक कैम गियर है। कैम गियर का मिडिल का जो ये होता है, ये ऊपर की तरफ रख लीजिए, ऊपर की तरफ रख लीजिए और अंदर में घुसा दीजिए। और एक कैम्बूस है, कैम्बूस का व्हील है, छेद है, और इंजन का व्हील छेद है। ये दोनों एक ही जगह में रहना चाहिए। देखिए, अंदर में घुसा दे रहा हूँ, देखिए, और स्क्रू ड्राइवर से दिखा रहा हूँ। ये व्हील और ये व्हील दोनों एक ही जगह में रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अंदर में घुसा रहा हूँ, देखिए कैसे घुसा रहा हूँ। बस आराम से हो गया। एक कैम का लॉक है, ये लॉक लगा रहा हूँ। देखिए, लगा रहा हूँ। इसके बाद टाइमिंग लगाऊंगा। ये गडर निकल दिया और ये टाइमिंग कैम गियर थोड़ा सा इधर उधर हिलाया और दोनों एक ही लेवल में रहना चाहिए, दोनों एक ही लेवल में रहना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दोनों बराबर हो गया। पूरा ध्यान दीजिए। और ये मोबिल पाइप है, ये मोबिल पाइप कैम्बूस है, कैम्बूस में मोबिल सप्लाई देगा। ये टाइट कर रहा हूँ, देखिए, बस हो गया। थोड़ा सा टाइट देना पड़ेगा। हाँ, हो गया। और यह क्रिंग लॉक है, क्रिंग लॉक लगा रहा हूँ। यहाँ क्रिंग गियर लगाएंगे। देखिए, क्रिंग गियर लगा रहा हूँ। एक गियर में, दोनों गियर में निशान है, लेकिन मैं निशान को नहीं देखा है, ऐसे लगा रहा हूँ। कोई भी नया गियर हो या पुराना गियर हो, निशान नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसा करके लगा दीजिएगा। ये देखिए पूरा मिल गया। ये निशान है, पूरा निशान, तीनों निशान पूरा मिल गया। देख लीजिए, निशान हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो में अगर कुछ समझ आया तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।